आदाब नाज़रीन, मैं रुखसाल फातिमा, A7 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। कर्नाटक में पिछले साल पैदल चलने वालों की सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। कर्नाटक में 2020 में मुल्क में सड़क हादसात में पैदल चलने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की गुज़त हफ्ते जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के दौरान हिंदुस्तान में 13% अमवात 11,901 में से 1536 कर्नाटक से हुई हैं। बड़ी पार्टियां पदयात्रा की सियासत में वापस आ गई हैं। मेकेदाटू में ताखिर पर तनाज़ा। कर्नाटक में 2021 के असेंबली इंतखाबात में मैदान कायम करने की वजह कोशिश में यात्रा की सियासत सामने आ रही है। तीनों सियासी पार्टियां मेकेदाटू पीने के पानी के मंसूबे पर इल्ज़ाम तराशी में मलबूस है। सिंगारेनी की कान की छत गिर गई, 4 मजदूर हलाक। रियासत तेलंगाना के जिला मुंसियाल में कोयले की कान की छत गिरने से 4 मजदूर हलाक और दिगर 3 जख्मी बताए गए हैं। यह हादसा श्रीरामपुर सिंगारानी SRP-3 की कोयले की कान में उस वक्त पेश आया जब जेर ज़मीन मजदूर काम कर रहे थे और उन पर कोयले की कान की छत गिर गई और इस हादसे में 4 मजदूर हलाक हो गए हैं। टैंकर और बस में तसादुम, भड़क उठी आग, 10 मुसाफिर जिंदा जल गए। राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में भयानक सड़क हादसा पेश आया, कम अज़ कम 10 अफराद की जान चली गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर ऑयल टैंकर और बस आपस में टकरा गए। हादसे के साथ ही गाड़ियों को आग लग गई जिसकी वजह से बस में सवा 10 मुसाफरीन जिंदा जलकर हलाक हो गए और मौत जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 26 मुसाफरीन सवार थे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की हुकूमत बनने पर आशा वर्कर्स को 10,000 रुपये महाना देने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में खवातीन को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ऐलान करते हुए कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनती है तो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 10,000 रुपये महाना इजाजिया मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर बरकरार। बैन अल-अक़वामी बाजार में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान घरेलू सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुध को पेट्रोल और डीजल कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की, जिससे दारुलहुकूमत दिल्ली में छठे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार हैं। कानपुर में जिका वायरस का फैलाव जारी, 16 नए मरीज। उत्तर प्रदेश के सनअती शहर कानपुर में जिका वायरस का फैलाव लगातार जारी है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले में 16 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जिका वायरस के मजमू केसेस की तादाद 105 हो चुकी है। नए मरीजों में 2 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मरीज। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मामूली इजाफा हुआ है। बुध की सुबह जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजमू तौर पर 11,466 नए मरीज सामने आए हैं। इसी दौरान मुल्क भर में 460 अफराद की कोरोना से मौत हो गई और वहीं कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 11,961 है। फटाफट खबरों में आज के लिए इतना ही। मुल्क भर की तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहें A7 न्यूज़।